हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बोलूँ, गुड नाइट बोलूँ कि क्या बोलूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के. व्हाट्स द टाइम नानू? 12:30. हाँ, 12:30. इट्स 12:30. हम मूवी देख के आ रहे हैं. कौन सी मूवी थी? पंदम कोड़ी पार्ट टू है ये. क्या मूवी यार, पता नहीं क्यों बनाया. मतलब वैसे देख ली क्योंकि पिछले हफ्ते जाना सोचे थे लेकिन नहीं जा पाए, इसलिए अभी जाके आए. लेकिन एम ही है मूवी, तो टाइम पास करने के लिए चले गए थे और देख के आ चुके हैं. अभी 12:30 हो रहे हैं रात के, तो मैंने बोला चलो जाते टाइम व्लॉग शुरू नहीं किया था, वापस आते टाइम कर लेते करके मैंने अभी शुरू किया. और वो जो कल के वीडियो में मैंने मेकअप किया था वही पूरा क्लीन अप करके, बस बिंदी वही जो है लगा रखी है, वो निकाली नहीं, बाकी सब सेम टू सेम है. और अभिषेक जो है सो रहा है एंड आदित्य पीछे है. वो कहाँ है, दिख नहीं रहे, किधर है. और हमने इवनिंग में जो हॉल में जो स्नैक्स होते हैं, एक पफ वफ खा लिया था, बस ख़त्म. वैसे भी शाम को मैं और मेरे हस्बैंड जो है अभी मैक्सिमम रोटी ही खा रहे हैं, रोटी या तो अगर डोसा या इडली में से कुछ रहता है तो वो खा लेते हैं. तो बच्चों को तो घर में मैंने खाना खिला दिया था, तो मैंने बोला आके खाएंगे, क्या बोलते हैं आके क्या खाना, फिर हॉल में ही खा लेंगे करके हमने वहीं पर पफ खा लिया. आ, 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 आ. तो अभी बस घर जाना है और चेंज वेंज करके सोना है. तो ये तो ऑलरेडी सो गया है, इसकी पैंट वैंट उतार के डायपर वाइपर चेंज करके सुलाना है, क्योंकि जो भी मैं डायपर अगर शाम को भी पहनाऊँ या दोपहर को बनाऊँ, मैं विद इन फ्यू आवर्स 4 घंटे में चेंज कर ही देती हूँ, चाहे वो भरे या नहीं भरे. और दूसरी जो मैं पैम्पर्स यूज़ करती हूँ उसमें तो इंडिकेशन आ ही जाता है, तो इंडिकेशन भी विद इन 3 to 4 hours आ जाता है, कभी कभी पहले भी आता है, डिपेंड्स ऑन बच्चा कितना पानी पी रहा है, क्या पी रहा है. तो अगर जल्दी भर गया तो जल्दी निकालना पड़ता है, तो उस हिसाब से निकाल देती हूँ. और अभी मेरे हस्बैंड ने जो हिंदी बात करी थी वो बात करते हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल नहीं आती है, उनको समझ में आती है पूरी. लेकिन फ्लुएंसी की बात जो होती है, फ्लुएंसी मतलब ऐसे सेंटेंस फ्रेम में, वो सब नहीं आता है. लेकिन कभी कभी घर में ऐसे बात करते हैं वो एकदम कॉमेडी वाली हिंदी होती है, तो कॉमेडी वाली हिंदी में दिखाऊंगी ना तो उनकी सीरियसनेस पूरी ख़त्म हो जाएगी, है ना. तो वो कॉमेडी जो है मेरे लिए पर्सनल है, तो जब वो अच्छी खासी हिंदी सीख जाएंगे तब मैं उनसे आपकी बात करवाऊंगी, तो तब तक के लिए आप वेट करते रहिए. तो चलिए अब कल सुबह मिलते हैं. और रही बात सीट बेल्ट की, हम सीट बेल्ट हमेशा लगाते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है सीट बेल्ट दोनों ही पीछे वाली तो ठीक है, दोनों यहाँ वाली ख़राब हो गई है. और हमारी जो गाड़ी का इंश्योरेंस है वो भी ख़त्म हो गया है. और बीच में क्या हुआ था, इंश्योरेंस को रिन्यू कराना है तो पहले जो था फॉर्म वॉर्म भर के सब कुछ जो है ऑनलाइन के बिना सब कुछ रजिस्टर हो जाता था, सब कुछ रिन्यू हो जाता था. लेकिन अब इंश्योरेंस हो गया या रजिस्ट्रेशन हो गया कार का, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो इस वजह से हमारा रिन्यू होने में काफ़ी टाइम लग रहा है. अगर हम बिना रिन्यू करवाए ये सब ठीक कराएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है गाड़ी का एक पार्ट भी कुछ चेंज कराना हो या कुछ ठीक कराना हो तो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है. तो हमने ऑलरेडी अप्लाई किया है उसके लिए, ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी अभी एक्टिवेट हुआ है ऑनलाइन प्रोसेस इसका, कार का इंश्योरेंस का प्लस रजिस्ट्रेशन का. तो जैसे ही ठीक होता है वैसे ही हम लगाएंगे, अदरवाइज़ मैं इतना सारा ज्ञान बांटती हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं फॉलो ना करूँ, तो मजबूरन मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ. और ये अकेला बैठता नहीं है इसलिए जो है मुझे इसको आगे बैठाना पड़ता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम को भी आप समझिए. अब हम घर पहुँच चुके हैं और मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट.
हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखा ना आपने, हमने पंखा कैसे साफ़ किया, क्योंकि पहले तो जो मेड थी वो ड्रम पे चढ़ जाती थी, वो कर देती थी। अब इनको भी मुश्किल था कि ड्रम पे चढ़ के कैसे करे करके, तो मैंने बोला चलो कोई जुगाड़ निकालते हैं। तो मेरे को आइडिया आया कि जो दो पुराने वाले मॉपिंग लगाने वाले डंडे हैं उससे ब्लॉक करो, और जो मैं नया जाले झाड़ने वाले लाई हूँ उससे साफ़ करो। तो देखिए एकदम अच्छी तरह साफ़ हो गए सारे पंखे, नीट एंड क्लीन विदाउट एनी झंझट। ये देखिए बिल्कुल चढ़े नहीं है। बस दो डंडे ब्लॉक करने के लिए पहले मैंने पकड़ के रखा था और वो साफ़ कर रही थी, फिर बाद में सत्यवती ने पकड़ा और फिर मैंने साफ़ किया। तो इस तरह से पूरा हो गया। और मैं पता नहीं कौन से डायरेक्शन में सोई हूँ, कि सोते सोते कभी ऐसे हाथ वाथ रख के सो जाते हैं तो ऐसे आ जाता है ना, तो वैसे आ गया है। तो सारे जाले वाले झड़ चुके, आई मीन जाले मतलब फ़ैन सारे साफ़ हो गए, और बहुत इजीली साफ़ हो गए। क्योंकि ऊपर चढ़ के साफ़ करने से गीले कपड़े से साफ़ करो फिर भी जो है दाग दाग आ जाता था, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, आराम से साफ़ हो गया। क्योंकि वो ग्रीजी नहीं होता है, ओनली जो है धूल जमी होती है। तो पूरा अच्छी तरह क्लीन हो गया। आई एम फीलिंग वेरी नाइस कि जो साफ़ सफाई है, सफाई अभियान ख़त्म हो गया। अभी अब आती है बारी डेकोरेशन की, जो हम ग्रेजुअली करेंगे। और अभी जो है सत्यवती झाड़ू लगा रही है, जो भी नीचे गंद पड़ी थी दिखाती हूँ आपको। तो बहुत ही गंद है, मतलब फैन से जो निकली है ये देखो। वो देखो, और आदित्य अभी यहाँ पे बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है। तो चलिए अब हम अपना सफाई अभियान जो है जारी रखते हैं। और वो जो मैंने डंडा खरीदा ना, काफ़ी यूज़ हो गया उसका। नॉट ओनली जाले निकालने के, पंखे भी साफ़ कर रहा है वो। तो अगर आपने अभी तक ऐसा कोई ट्रिक नहीं अपनाया, तो मतलब अकेले से नहीं होगा, दो लोगों को तो करना पड़ेगा। दो एक एक जन को जो है दो डंडे से ब्लॉक करना पड़ेगा, एक जन को है जो है साफ़ करना पड़ेगा। तो ऐसे कर सकते हैं। तो अभी मैं मिलती हूँ बाद में, जब घर का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो खाना तो मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मेरे को मालूम होता है कि ये जब काम होते हैं ना, बाद में खाना बनाने रखेंगे तो पहले ही हाथ साफ़ कर करके थक जाते हैं, और बाद में खाना बनाएंगे तो हो नहीं पाता है। इसलिए पहले ही खाना बना चुकी हूँ मैं, और अभी जो है कंपनी देती हूँ मैं सत्यवती को साफ वाफ करने के लिए। चलिए सारे फैंस की सफाई जो है एकदम देखिए कितनी नीटली साफ हो गया है। बिल्कुल भी एक तिनका भी नहीं है मिट्टी का, जो भी धूल मिट्टी होती है उसका नहीं है। तो ये वाले जो फैंस है इस पर डस्ट बहुत जल्दी आ जाती है। ये पूरा ये भी क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, जो हॉल में वो भी क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, लेकिन जो हॉल वाले हैं वो डस्ट प्रूफ है, जो आजकल आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। तो ये जो पुराने फैंस है वो भी हमने फिट कर रखे हैं, मतलब हॉल में तो नए वाले हैं, बाकी पुराने वाले हॉल रूम्स में, बेडरूम में, डाइनिंग में वो वाले लगा रखे हैं। क्योंकि अच्छे खासे फ़ैन है ना, है ना, चेंज किस लिए करना, क्योंकि डीसेंट है। तो इन पे जो है बहुत जल्दी धूल मिट्टी आ जाती है, और ज़्यादा आ जाती है, और उसमें जो है बहुत कम आती है और बहुत लेट से आती है। तो इसलिए जब मैं इसको झाड़ रही थी तो इसमें तो इतना इतना था। और सारे घर के फ़ैन साफ़ करने हैं, तो जो टेक्निक मैंने अभी आपको दिखाई है वो तो मैंने भी पहली बार जुगाड़ लगाया उसका, उससे पहले मैंने भी कभी बोला यूज़ नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत इजीली साफ़ हो जाता है, बिना कहीं ड्रम वम चढ़ के या कुछ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप भी ट्राई करना, अगर आपके हस्बैंड है घर में या आपके भाई बहन है तो उनकी कंपनी लेके आप आराम से जो है साफ़ कर सकते हैं। जो झाड़ने वाला जो मैंने जाले वाला डंडा लिया था वैसा वाला काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा जो नोकीला सा लंबा सा रहता है उससे शायद इतना अच्छे से नहीं होगा, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा ब्रश था। तो बहुत अच्छी तरह साफ़ हो गया। और अभी अभी सारा साफ़ होने के बाद झाड़ू पोछा लगा के मेड भी अभी चली गया। तो अभी मेरे को खाली बेडशीट चेंज करनी है। ये देखिए ये रही बेडशीट जो मुझे चेंज करनी है, इस रूम की और उस रूम की, और सारी बेडशीट धोने के लिए डालनी है, और उसके बाद दूसरी बेडशीट बिछाऊंगी
बिछाऊंगी तो जो भी सफाई अभियान था वो तो खत्म हो गया। आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। पंखे को देख के लगता था कब साफ होगा कब साफ होगा, अब साफ हो गया तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और सब लोग इस टाइम पे जो पंखा क्लीनिंग, खिड़की क्लीनिंग, वो सारी क्लीनिंग चलती रहती है हर किसी के घर में। दिवाली आ रही है और त्यौहार चल रहे हैं, करवा चौथ ये नॉल ये सब। और आप लोग को मेरा करवा चौथ का लुक काफ़ी अच्छा लगा विद दैट पट्टू साड़ी, सो थैंक यू सो मच। डायरेक्ट बोल रही हूँ मैं, अगर सबको मैं रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ तो चलिए बाकी काम भी करते हैं। ब्रेकफास्ट तो हो गया, अभी मैंने चाय रखी है गैस पे, तो चाय पी के ज़रा पेट्रोल भर लेते हैं अपनी अपनी गाड़ी में, मतलब वो दिल का या मन का फितूर बोलते हैं, चाय पीने से गाड़ी जो है अपनी चलती है ज़रा। तो चाय पी के बाकी काम करते हैं। चाय जो है थोड़ी उबल गई थी, मैंने फुल गैस में रख दिया था, शायद ध्यान नहीं रहा मुझे, तो अभी जो है कप में डाल लिए है हमने चाय। तो चाय पी लो, ब्रेकफास्ट खा लो, खाना खा लो, सब कुछ खा लो पी लो। चलो मानो चाय। हेलो बर्ड्स, बर्ड्स, ओके बर्ड्स, बर्ड्स बर्ड्स को दिखा रहा है अभिषेक। कुछ ये देखो बर्ड्स, बर्ड्स बर्ड्स बर्ड्स, नो 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 नो, यू सिट, यू सिट डाउन। तो अभिषेक को मैं नहलाने के लिए लेके जा रही थी, उससे पहले मतलब वो बाथरूम जा रहा था, तो फिर बाथरूम में जाने के बाद उस टाइम पे आदित्य ब्रश कर रहा था, तो जैसे ही वो आदित्य को बाथरूम में देखता है बोलता है उसके भी कपड़े निकाला, तो फिर उसने बोला शर्ट निकाल दे, तो मैंने निकाल दी थी, इसलिए अभी वो थोड़ा नंगू पंगू घूम रहा है, इसलिए फुटेज नहीं दे पा रहा है कैमरा पे अपनी। तो मैंने अपनी चाय जो है ऐसे ग्लास में डाल ली है, स्टील वाले में, स्टील वाले में डालने से ज़्यादा गर्म रहता है ना, इसलिए आई लाइक, मतलब मैं ज़्यादा तो कप में ही प्रेफर करती हूँ, ग्लास में थोड़ा ना अंदर को रहता है, बट मैं बोला चलो सामने पड़ा था तो मैंने डाल दिया उसमें। कभी कभी आप भी ऐसे ही करते होगे ना, आलस आता है ना कि क्या कप निकालो फिर के चाय डालो, जो सामने मिला है ग्लास या कुछ भी, थाली नहीं, सामने थाली पड़ी हो तो थाली में तो पियेंगे तो कुत्ते बन जाएंगे, आम आम, तो थाली में तो नहीं, तो ग्लास में डाल लिए। और हाँ, और जो बेडशीट अभी मैं डालने वाली हूँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल बेडशीट है, नई वाली बेडशीट है, अगर आपको चाहिए मैं भेज सकती हूँ, प्लस मीशो पे भी वैसी वाली अवेलेबल, वो सेम स्टाइल अवेलेबल है कि नहीं आई डोंट नो, बट यू विल फाइंड सिमिलर बेडशीट्स ओवर देयर, क्योंकि मैं चेक कर ही रही थी कि मेरे पास जो है वहाँ पे है कि नहीं, क्योंकि जो मेरे पास है बेडशीट्स वो अमेज़ॉन पे भी है, स्नैपडील पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है एंड मीशो पे भी है, तो आप चेकआउट कर लेना कि रेट या क्वालिटी का तो आई डोंट नो। मैंने जो ख़रीदी है उसकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मोटी बेडशीट है, मैं बिछाऊंगी जब आप देखना, और अगर आपको चाहिए तो मैं भी भेज दूँगी, वरना मीशो पे आप चेकआउट कर लेना, सेम मिल जाएगी तो ले लेना, तो इसलिए मैं मीशो का जो लिंक है नीचे दे दूँगी, आप उसके थ्रू जाके ऐप में भी खरीद सकते हैं, और अगर आप लैपटॉप पे ऑपरेट कर रहे हैं तो यू कैन डू फ्रॉम वेबसाइट ऑल्सो, एनी थिंग योर ऑप्शन। अभी नाइस, तो चलिए बस अभी चाय वाय ख़त्म करके बेडशीट वेडशीट बिछा के इस रूम में, उस रूम में बच्चों को नहला के खुद नहा के प्रस्तुत होते हैं। यहाँ पे अभी वॉशिंग मशीन में बेडशीट्स धुल रही हैं, दोनों बेडरूम्स की बेडशीट्स हैं और एक और बेडशीट भी है। तो ये जो बॉल देख रहे हैं आप, ये लॉन्ड्री बॉल्स है जो आपके कपड़ों को जो है बहुत अच्छी तरह साफ़ करती है, क्योंकि बीच में रहता है ये कपड़ों के बीच में, तो ऐसी चार बॉल्स है इसके अंदर, फिलहाल शायद तीन है, बच्चों ने एक घुमा दी क्योंकि बार बार वॉशिंग मशीन जब ऑफ होती है तो वो लोग ढक्कन खोल देते हैं, तो ये देखिए जैसे घूम रहा है तो उससे जो है मैल को थोड़ा थोड़ा निचोड़ता रहता है और कपड़े जो है अच्छे धुलते हैं इससे। और जितने भी छोटे वाले ब्लैंकेट्स हैं मैंने सारे यहाँ पे धूप में डाल दिए, अभी धोए नहीं है क्योंकि इस कुछ दिन पहले ही मैंने धोए थे, तो रेगुलरली नहीं धोती हूँ, इतने गंदे होते नहीं हैं, तो धूप में जो है बीच बीच में डाल देती हूँ,
15 दिन में एक बार ऐसे धो लेती हूँ। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4:45, 4:45 करेक्ट ना, वही 5:15 बाकी है, 4:45। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बेडशीट्स है जो मैंने सुखा दी थी पहले ही, 3 बेडशीट्स है वहाँ पे, इस रूम की, उस रूम की और एक पहले की, तो सुखा दिए और अभी ये कपड़े निकाल के मुझे फोल्ड करने हैं। और ये तीनों के तीनों सो रहे हैं, बहुत अच्छी खासी नींद ले रहे हैं। मैं तो बिल्कुल सोई नहीं, जब मैं मॉर्निंग जब मैं काम कर रही थी तब मुझे इतनी बुरी तरह नींद आ रही थी, मैं बेडशीट निकाल रही थी तो भी मैं बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील कर रही थी। और उसके बाद मैंने सोचा चलो बेडशीट डालने के बाद, नहाने के बाद थोड़ी देर सो जाएंगे, पर बच्चे रहते हैं तो दे डोंट मेक थिंग्स हैपन, आई मीन दे डोंट लेट थिंग्स हैपन, इसलिए फिर हो नहीं पाया। और यहाँ पे हमारे बच्चे जो घर में सो रहे हैं और दूसरे बच्चे जो है बैडमिंटन खेल रहे हैं, बैडमिंटन। और आंटी ने पता नहीं पेंटिंग पूरा कंप्लीट नहीं किया, बीच वाला पूरा कंप्लीट किया, साइड का छोड़ रखा है, मे बी ओनली ये देखो बीच में किया है खाली और साइड वाला किया नहीं है। और यार ये दिवाली की क्लीनिंग हो या कोई भी क्लीनिंग हो, कभी घर की क्लीनिंग ख़त्म होती है कि एक करो तो दूसरी निकल के आती, एक ऐसे निकलते रहती ही रहती है। तो अब क्या बचा है, मैक्सिमम सब कुछ तो हो गया है, कुछ बचा है लग रहा है, थोड़ी देर पहले याद था अभी याद नहीं आ रहा है, जब बोलना चाह रही हूँ तो जब याद आएगा तब बता देंगे। तो चलिए अब मैं कपड़े वपड़े निकालती हूँ और उनको फोल्ड करती हूँ, सबसे बोरिंग काम, और व्लॉग को एंड करती हूँ। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो अपना प्यार जो है मुझे आप कमेंट्स के थ्रू तो बरसाते ही हैं, तो आप थोड़ा ना लाइक के बटन को तोड़ के उसके ऊपर अंगूठा चिपका के भी अपना प्यार दिखा देना, तो बड़ा हौसला मिलता है कि इतने लोग एक्चुअली पसंद कर रहे हैं। मतलब जो देखते हैं वो तो देखते ही हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो लाइक भी करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो मुझसे तो लाइक ज़रूर चिपका देना। तो चलिए आज का व्लॉग एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।